ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। आपको हो गए, अब ये क्या बला आ गई भाई। देखो ये मैं आपको बताऊं, ये CBSE के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इक्का दुक्का, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कोई बात सिलेबस में नहीं होती तब भी उसके ऊपर छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका नाम ही देखो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, यानी यहाँ पर किसकी बीच में बोलना होगा। ऑर्गेनिक तो क्या होना चाहिए, लिगेंड, मतलब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होते हैं। क्या है यहाँ पर, क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी क्या होते हैं, उपकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होते हैं। बस यहाँ पर अंतर क्या है कि मेटल यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, और मेटल तो क्या, मेट सेंट्रल एटम तो क्या होगा, मेटल होगा ही होगा, लेकिन लिगेंड यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जैसे कि इथाइलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब एटलीस्ट एक क्या हो, या मेरे पास क्या हो, मेटल के साथ क्या हो, CH2 CH3, यानी मेटल मिथाइल बॉन्ड, मेटल मिथाइल बॉन्ड। नहीं समझे बात भाई, अरे बोलो, नहीं समझे बात। तो इनको हम क्या बोलते हैं, यानी कि अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल किससे बाइंड कर रहा है, किसी ऑर्गेनिक लिगेंड से, किसी ऑर्गेनिक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब इनके जो डेफिनेशन है ना, क्या इनकी डेफिनेशन, अब भाई होना तो यही चाहिए कि लिगेंड क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए ना। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक लिगेंड होता है कि इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक, लेकिन तब भी NiCO4 को क्या बोलते हैं, तो प्रिसाइजली हम बोल लें तो सिर्फ वही कंपाउंड क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनोमेटालिक, जिन्हें मेटल का बॉन्ड किससे हो, ऑर्गेनिक लिगेंड से। अगर सेंट्रल एटम मेटल नहीं है, सेंट्रल एटम, तो ऑर्गेनोमेटालिक नहीं बोलना चाहिए ना, और अगर सेंट्रल एटम तो मेटल है लेकिन लिगेंड ऑर्गेनिक नहीं है तब भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। लेकिन आप यहाँ पर देखो, मेटल तो सेंटर है, सेंट्रल एटम मेटल है लेकिन लिगेंड ऑर्गेनिक नहीं है, तब भी ये कहाँ पढ़ा जाता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंदर पढ़ा जाता है। नहीं आप क्यों भाई, इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है क्या, या फिर आप बताओ मेटल फोसिन कॉम्प्लेक्स क्या, PPS3 क्या, अरे भाई PH3 होता है ना, यहाँ पर तीन फिनाइल जोड़ दो, क्या जोड़ दो, फिनाइल, या PCl3 या PR3, तो ये तो हमारा क्या होता है, इनऑर्गेनिक स्पीशीज होती होगी ना। PR3 क्या होता है, PH3 क्या होता है, इनऑर्गेनिक, नहीं आपको समझ में। तो फोस्फीन और उसके डेरिवेटिव अगर लिगेंड है तो वो तो है तो क्या, इनऑर्गेनिक। चलो आपने भी फिनाइल लगा दिया, फिर तो इसमें क्या आ गया, ऑर्गेनिक, लेकिन कार्बन तो बॉन्ड नहीं किया, तो हम तो क्या मान रहे हैं कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में मेटल कार्बन बॉन्ड होना जरूरी है, लेकिन लेकिन जो मेटल फोस्फीन कॉम्प्लेक्स होते हैं उसे मेटल से बाइंड कौन करता है, PPH3, PPH3 ट्राइफिनाइल फोस्फीन किससे बाइंड करता है, फॉस्फोरस से, तब भी किसमें काउंट होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में। तो जो बात होती है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में मेटल कार्बन बॉन्ड होना जरूरी है, ये इतनी प्राइमरी कंडीशन नहीं है। तो कई कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें लिगेंड ऑर्गेनिक नहीं है, तब भी वो कहाँ स्टडी किए जाते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के तौर पे स्टडी किए जाते हैं। और कई लिगेंड, कई कंपाउंड ऐसे हैं जहां पर मेटल भी है, क्या, जहां पर लिगेंड तो क्या है, ऑर्गेनिक, लेकिन मेटल नहीं है, जैसे फास्फोरस के, क्या नहीं है आपको, फास्फोरस के साथ कौन जुड़ रहे हो, इथाइल, कौन भाई, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड क्या होते हैं, उनमें सेंट्रल एटम कौन होता है, फॉस्फोरस, और लिगेंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक। तो
तो क्या फॉस्फोरस मेटल होता है क्या? नहीं, तब भी उसे कांपड़ लेते हैं ऑर्गन मेटालिक कंपाउंड के तौर पे। तो कई तो अगर प्रिसाइजली हम देखें, तो अगर प्रिसाइज डेफिनेशन देखूं तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड सिर्फ कौन से होंगे जिनमें मेटल हो सेंट्रल एटम और लिगेंड क्या हो ऑर्गेनिक, और वो ऑर्गेनिक लिगेंड कार्बन के थ्रू बॉन्ड कर रहा हो किससे मेटल से। लेकिन भाई ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनमें लिगेंड इनऑर्गेनिक है तब भी कहाँ माने जाते हैं ऑर्गेनोमेटालिक में, और ऐसे कंपाउंड में हैं जहाँ पर सेंट्रल एटम मेटल भी तब भी कहाँ पड़े थे उनको, जैसे ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड, ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड आ गया आपको, और जैसे सोडियम साइनाइड है क्या, सोडियम साइनाइड यहाँ पर मेटल भी है और लिगेंड भी क्या ऑर्गेनिक, तब भी इसे क्या नहीं बोलते ऑर्गेनोमेटालिक, यहाँ पर मेटल भी है और लिगेंड भी क्या है ऑर्गेनिक, तब भी इसे क्या नहीं मानते होते ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं मानते होते। तो कोई अजीब बात नहीं है, मतलब जिनमें लिगेंड इनऑर्गेनिक है मेटल मेटल है, जिनमें लिगेंड इनऑर्गेनिक नहीं है लिगेंड ऑर्गेनिक नहीं है उनको भी क्या मान लेते कई बारी ऑर्गेनोमेटालिक, कई बारी मेटल भी नहीं है सेंट्रल एटम लिगेंड लिगेंड क्या है ऑर्गेनिक उसको भी क्या मान लेते हैं, और कई बारी दोनों क्या है मेटल भी और लिगेंड दोनों ही क्या है और मेटल सेंट्रल एटम मेटल है और लिगेंड भी क्या है तब भी नहीं मानते उसको। तो ये डेफिनेशन इतनी थोड़ी क्या है ब्लर्ड सी है, बात आपको पहले पड़ेगी। लेकिन ऐसे कम केस हैं, ज़्यादातर केसेस में तो आपको मैं आपको बताऊँ भाई कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पर, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स, क्या इवन मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स को क्या मानते हैं, नाइट्रोसिल में तो कार्बन बॉन्ड नहीं बनाता NO लिगेंड नहीं है आपको, लेकिन इसको भी क्या मान लेते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है आपको। अरे बोलो, ठीक है, तो क्या होते हैं भाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, इजंट इट, पक्की बात है नहीं है आपको, तो इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और मैं आपको बोलते हैं कि बहुत फायदे हैं भाई, क्या जो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ना ये दुनिया भर के इनसे क्या बनते हैं कैटालिस्ट, क्या बनते हैं ये दुनिया भर की रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। आपका भाई बारहवीं में तो कोई चैप्टर नहीं है, बीएससी में आपका एक स्पेशल चैप्टर होता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का, और एमएससी में आपका एक पूरा बुक होता है, एक पूरी बुक होती है किसकी ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, बारहवीं में आपको थोड़ा याद है आपको। तो मैं आपको बताऊँ भाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को आप प्राइमरीली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, एक तो होते हैं सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, अरे क्या होते हैं हमारे पास पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, कौन से सिग्मा बॉन्डेड और पाई बॉन्डेड। तो सिग्मा बॉन्डेड कौन से होंगे जहां पर सिर्फ डोनेशन है, क्या भाई जैसे टेट्राइथाइल लेड, क्या भाई टेट्राइथाइल लेड नहीं है आपको, आप लेड से क्या जोड़ दो पीबी से आप क्या जोड़ दो चार इथाइल ग्रुप, क्या पीबी से आप बताओ भाई क्या जोड़ दो चार इथाइल ग्रुप आप जोड़ दो भाई बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्या टेट्राइथाइल लेड नहीं है आपको। ये आपको पता है एंटी नोकिंग एजेंट होता है, क्या आजकल तो उसको यूज नहीं करते, पता होगा ना आपको भाई, इसको पेट्रोल डीजल मिला दिया करते ताकि फ्यूल की बर्निंग क्या हो जाए स्मूथ, इजंट इट, या आरएमजीएक्स आप आगे पढ़ोगे ऑर्गेन केमिस्ट्री के अंदर, क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बहुत सारे रिएजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं ऑर्गेन केमिस्ट्री के अंदर, आगे आपको समझ में, थोड़ा आपको पढ़ना जरूरी था। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, तो मेटल कार्बन क्या है यहाँ पर क्या होगा भाई सिग्मा बॉन्ड होएगा यहाँ पर नहीं है आपको, अरे बोलो, या फिर हमारे पास तो क्या है Al2 मिथाइल सिक्स, क्या Al2 मिथाइल सिक्स, ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास बताओ, अगर मैं यहाँ पर ये बताओ मेरे पास क्या है एल्यूमिनियम ये यहाँ बताओ क्या रखो बताओ मिथाइल नहीं है आपको, ये सब भी क्या है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ओके, एक हमारे पास कौन से होते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, कौन से भाई बताओ, एक होते हमारे पास पाई कॉम्प्लेक्स, क्या भाई पाई कॉम्प्लेक्स, इनके अंदर क्या होगा कि जो लिगेंड होएगा ना क्या
जो लिगेंड होएगा वो अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस्तेमाल करेगा डोनेशन में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका आपको भाई नहीं आपको समझ में, अरे बोलो भाई नहीं समझे बात, अरे कहाँ पर गया, ठीक है। अब बताओ जैसे आपके पास एक होता है जी सॉल्ट, क्या होता है जी सॉल्ट, क्या होता है के पी टी, क्या के पी टी सी एल थ्री इथाइलिन डायमीन, ये होता है नहीं सॉरी इथाइलिन, क्या होता है यहाँ पर ये सी टू एच फोर, सी टू एच फोर आ गया आपको नहीं, आपको नहीं तू नहीं समझा बताओ। तो ये पोटेशियम इसको निकाल दो, पोटेशियम को तो इसकी पर चार्ज क्या हो जाएगा, वन नेगेटिव हो जाएगा ना, वन नेगेटिव क्यों जाएगा। तो बताओ जी सॉल्ट में प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस टू, क्योंकि थायलिन क्या है ये न्यूट्रल है और इसे क्या होता है माइनस वन, तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स क्या है प्लस टू आ गया ना। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर भाई प्लेटिनम से क्या होता है, यहाँ पर कौन है प्लेटिनम, यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर कौन जुड़ रहा है, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ, और यहाँ पर ऐसे जुड़ा होता है इथाइलिन, कैसे भाई ऐसे नहीं ऐसे, मतलब प्लेटिनम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो प्लेटिनम क्लोरीन तो क्या होता है इस प्लेन में, एक प्लेटिनम और तीन क्लोरीन तो कहाँ पर है इस प्लेन के अंदर है, लेकिन ये बताओ कहाँ पर है, ये ऐसे नहीं प्लेन में नहीं क्या, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या इसके परपेंडिकुलर, क्या होता है इसके, इसको बोलते हैं जी सॉल्ट, नहीं है आपको। एक हमारा होता फेरोसिन, क्या होता है हमारे पास भाई फेरोसिन। आप बताओ ये जो हमारे पास सीपी रिंग होता है क्या साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन होती कि नहीं होती, क्या ये जैसे बेंजीन में पाई डेंसिटी होती है, क्या यहाँ पर पाई डेंसिटी होती क्या, होती ना, जैसे बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है रिंग के ऊपर और नीचे, तो सीपी रिंग के अंदर भी क्या होती है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती क्या, होती ना ऐसे। तो एक सीपी रिंग यहाँ रख दो, एक सीपी रिंग यहाँ रख दो, बीच में क्या रख दो मेटल, नहीं है आपको। तो ऊपर वाले सीपी रिंग की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ओवरलैप कर रही होती है मेटल के साथ और नीचे वाले की भी, नहीं है आपको। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं फेरोसिन, क्या बोलते हैं इसको, नहीं है आपको समझ में। ये कुछ ऐसा है जैसे कि दो प्याज हो ना, सॉरी एक रोटी हो ना, उसके बीच में क्या रखा हो प्याज, नहीं है आपको सैंडविच कंपाउंड, क्या बोलते हैं इसको सैंडविच कंपाउंड। ऊपर क्या है एक सीपी रिंग, नीचे क्या है एक सीपी रिंग और बीच में कौन है इसके मेटल, बॉन्ड कैसे बन रहा है, ऊपर वाले सीपी रिंग ने नीचे वाले सीपी रिंग ने अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रखा है ओवरलैप के लिए, इसके साथ मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ, आ गया आपको समझ में। तो ये क्या आपके ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, नहीं आया, अरे बोलो। और एक मैंने आपको इनकी कौन सी कैटेगरी बताई थी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की, मेटल कार्बोनिल्स एंड मेटल नाइट्रोसिल्स बताई थी ना, उनको थोड़ा हम अलग से पढ़ेंगे अभी, ओके उपकार आ गया आपको। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।